विभिन्न मिल कह की शादी कर लो, काय कर लो शादी, तुमको अकल नहीं है, तुमको तुमको बेटा है, तुम है, तुम काय से शादी करे बेटी से। उसका बीवी बोली है कि शादी करो। हाँ वो कराई है, ले जाकर बाहर में खाना, मेरे को दो शादी है। उनकरा मेहर के दो को शादी। हाँ इतनी सा का फिर करो, मोबाइल से कोई सब हम सुना था नहीं कि क्या बतियाओ तल तू एना कोई रूता तरह का हम काट देम चाहे होई कदम होकल देरवाई धमकी तो पूरा बेटी लेके तुम गलती कर लेके बेटी को पढ़ाएंगे। बेटी बना के तू बाप लगेगा, बेटी से तू शादी कर लिया और फिर उसके साथ में तू गलत काम हम कहीं तार जिंदगी में कभी तार लगी हमारे लड़की तार लगे ना रही कहा था। तू कितनों केस कॉल अप फौजदारी कॉल हमारा केव कुछ बहुत लोगन के बोलू हमारा बेटी नहीं कम लिया तनी बोलू हम पढ़ाएम लिखा है। हाँ आप पढ़ाते लिखाते ये शादी कर लो, आपके बेटी चले आई, अब क्या चाहती है महेंद्र पांडे अब जेल में, वो निकले कि नहीं? नहीं निकले, अब रहेगा जितने दिन उतना। जगह बताओ कि तू कहाँ है, जगह कहो तो कहे के बताए कि तू वहाँ जा। अभी हमारे साथ में उसी संध्या की माँ हमारे साथ में मौजूद है जो कि 11 साल बताया जा रहा है, इनके माँ मौजूद है और महेंद्र पांडे और संध्या दोनों आदमी जेल गया था, लेकिन अभी के पीरियड में देखा जाए तो संध्या जेल से निकल के अपने घर पे आ गई सुरक्षित और महेंद्र पांडे जेल। उनके माँ से हम सीधे बात करेंगे कि आपके बेटी चले आई, अब क्या चाहती है महेंद्र पांडे अब जेल में, वो निकले कि नहीं? नहीं निकलेगा, अब रहेगा जितने दिन उतना रहेंगे, हम नहीं जानते उसके हाल। आपके बेटी के साथ में बहुत सारा मतलब गलत भी किए। अच्छा आप चाहती है कि नहीं कि उनके साथ में उनको फांसी होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए? साजा हो को कुछ भी हो, मौत हो को सलाद हो को हम नहीं जानते, हम बारे में अब जानते नहीं कि जितना दिन रहेगा मैं रह चाहे कुछ भी हो। आपके बेटी अब चले आई है अपने घर पे, बेटी हमारा गली कोई ना जाए, हमारा लग तो कोई हिल नहीं की सका काम खत्म। अच्छा वो बोल रही थी कि बोलू जब निकलेंगे महेंद्र पांडे तो उनके साथ में हम चले जाएंगे, जाएगी क्या? अपना मर्जी थोड़े के चली जाएगी, नहीं जाएगी कभी। वीडियो में बोल रही थी कि जब आएगा उसके साथ में हम चले जाएंगे। आता है तो सिखाया है तो जन कहती है लड़का है जन सिखाया तो कहती है अब जाएगी कि नहीं, कभी जिंदगी में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगी। तो आप पढ़ाइएगा आप उसको, अब पढ़ेगी अपना घर में रहेगी, अभी पढ़े के खेलने के कहती है उम्र है, अभी शादी के अभी आकर उसके उम्र नहीं है। ठीक है गलत से कॉल लिया ले जाकर भगा के कॉल लिया, मेरी बेटी भागी नहीं है, मेरी बेटी इतना की हमसे जनाई नहीं की माँ हम भेज लेके भागल बड़े। ठीक है गलत तो उसी की माँ है, मेरा बेटी तो अभी बचा है तो का जानती है। लेकिन आपके बेटी के साथ में तो गलत हुआ है आप तो कहले बात वो का सजा हुआ नहीं होता भूख कबो सजा भूगी। अच्छा वो का सजाई दिया है कि आगे चलकर कोनो फेरी कदम मत उठावे। देखिए उनकी माँ जो है संध्या की बता रही है कि ऐसे ऐसे इंसान को ऐसी सजा मिलना चाहिए ताकि वो जीवन में कभी ऐसे देखने वाले व्यक्ति जाके गलती कभी नहीं कर। महेंद्र पांडे का जो है एक बीबी है, दो का बच्चा है, विकलांग है, रो रहा है, उनके बारे में क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे, तू उसका बीबी तो करी है। हाँ उसके बीबी ने मिले कह के शादी कर लो, काय कर लो शादी, तुमको अकल नहीं है, तुमको तुमको बेटा है, तुम है, तू काय से शादी करे बेटी से। उसका बीबी बोली है कि शादी करो। हाँ वो कराई है, ले हाँ। जाकर बाहर में भगा के फिर मीडिया में बोली है अपना उसके अंगना की हाँ हम लोग शादी कर लिए हैं। हाँ। तो हम हमसे कोई पूछा है मेरा ना हमसे बात कराया है ना चीत कराया है। हाँ। तो हाँ हम का दोषी है? हाँ। तू तो खुद हमारा बेटी लेकर तुम गलती कर लेके बेटी को पढ़ाएंगे। हाँ। बेटी बना के तू बाप लगेगा, बेटी से तू शादी कर लिया और फिर उसके साथ में तू गलत काम कर लिया। अच्छा रिलेशन क्या था आपका, मैंने पहुनाई क्या था उसके? हमारे सास माने आवाज जाते भाई के लड़का का हमारे देवर लगे लड़की के बेटी ना लगल। अच्छा अच्छा मैंने देवर लगत महेंद्र पांडे। अच्छा तो अब बताइए बेटी के साथ में ऐसा गलत काम? हाँ बेटी के साथ में वो दू लेगा बाप ओकरा मेरे के दू के शादी है, उनकरा मेहर के दू को शादी। हाँ इति सा का फिर करो ले बिया, हमको झूठ लगा दी माँ की साग सतुआ भात बना के खियाती है। हाँ। हम उसका घर कभी गए नहीं है। हाँ। लड़की का अपना लियाने घर से। हाँ। आप कह दे भाई पकौड़ी बना दे, चल पकौड़ी बना के दे देते का तरह घर हम सतुआ भात रोटी बना खिया तो नहीं है, तो खुद हमारे लड़की लेकर तोरी के काम करा हमारे लड़की लेकर रख रहा है, हमारे लड़की खाना बना लेख भैया एक बर्तन धो लेख भैया। अच्छा कितना दिन से मतलब कितना महीना से उसके घर पे रहती थी आपके बेटी संध्या? ऐसे गए तो तीन महीने लेके गुम हो गया। तीन महीना? हाँ कहता कि दिल्ली बानी बनारस बानी हरियाणा बानी। हाँ। रघुनाथपुर का लेकर रहला। हाँ रघुनाथपुर में लेकर रहता था। हाँ। आप बोल रहे थे कि हम दिल्ली है पंजाब है मुंबई है। हाँ हम कहानी के जगह बताओ कि तू कहाँ है। हाँ। जगह कहता कहे के बताए कि तू वहाँ जाओ। हाँ। जगह नहीं के बताओ ले आना इसे बताओ ले बा। हाँ। कहते है कौन भाषा बोलता है हमको बुझाता नहीं है। हाँ। हम कहानी से पूछ के तो भाग गया चाहे फुआ के लगा चल जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। तो कहता कि ना एनर करबू तो कहती है कि एनर कर बतेबू तो कही जब काट देम चाहे हई कर मैंने मारपीट धमकी देले बताओ हमारे लड़की कुछ नहीं। अच्छा महेंद्र पांडे बोला था आपके बेटी को। हाँ। कि तुम भाग जाओगी कहोगी तो तुमको काट देंगे मार देंगे। हाँ हाँ मैंने कहीं की फोन सकती कहूंगा को राय केहू से बतिया के ट्रेन देखो चलिया यहाँ पे हैसे से लेकर भगा के बड़े। तो वो मोबाइल से कही सब हम सुना था नहीं कि क्या बतियाओ तल तू एना कह रू तो तरह का हम काट देम चाहे होई कदम होकल देरवाई धमकी दी आ बाकी चौपाओ के नाम ना ले तरह मारे अंदर से रहा कि इनका लड़की इनका लगे ना जाए के चाहे हम कहीं तार जिंदगी में कभी तार लगी हमारे लड़की तार लगे ना रही
कहत तू कितनो केस कल फौजदारी कल हमारा केहू कुछ ना बिगड़ लेकिन रौरा बेटी से उनका कैसे रिश्ता लाग गई आ कैसे उठा के लेके चले गए यही न बात बा तू लड़की से रिश्ता का लड़की लिया है तबे तू रिश्ता चलेबो उ कभी जिंदगी में ना होई फुआ बारी फुआ से रिश्ता चलाव तारा हमनी से मारे रिश्ता तारा बोल बतिया के ये रिश्ता कहला है तू के लड़की लेके भाग जीबो गलत गलत बात बा कि ना बेटी बना के पढ़ाए हम लिखाए हमारा बेटी नहीं खे ठीक बा तारा बेटी नहीं खे तो कहीं समय हो हम ब्याह शादी करम गई जा तो हमारा के मर्द में कोनी दान दे दियलो अच्छा उ कहत रहलन कि बोलू हमारा बेटी नहीं के हम ले तनी बोलू हम पढ़ाए हम लिखाए हां पढ़ाते लिखाते शादी कर शादी कर बताई तो का हमारे बेटी का रक्षा कर ले कौन रक्षा कर रहे बताइए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि उनका बेटी नहीं है महेंद्र पांडे का और दो का बेटा है और इनके पास एक बेटी थी अब वो क्या बोले महेंद्र पांडे इनसे कि मेरे पास बेटी नहीं है आपको हम बेटी को ले जाते हैं पोसेंगे पालेंगे और हम पढ़ाए लिखाएंगे अब लेकिन इसी के चक्कर में ये मौका क्या मार लेते हैं जाकर शादी कर लेते हैं रामलिया मनाने के चक्कर में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में देख लीजिएगा ये क्या हाल हो रहा है कि आज जेल के सलाखों के पीछे है और बाकी यहाँ से इस प्रकार से घटना हो रहा है तो बताइए ये कहाँ तक सही है हमारे समाज में बाकी आप लोग कमेंट में जरूर